दोस्तों, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है तो वोटर आईडी जो इलेक्शन कमीशन है इसके द्वारा एक ई सर्टिफिकेट ई वोटर सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं इस सर्टिफिकेट को बनाना तो आप इजली घर बैठे ही ऑनलाइन बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कैसे आप ई वोटर सर्टिफिकेट को बनाएंगे ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और कैसे आप ई वोटर आईडी कार्ड का जो सर्टिफिकेट है उसको बनाएंगे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आ जाइएगा। मुख्यालय निर्वाचन इलेक्शन कमीशन दिल्ली का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पे आना है और इस पेज पे आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टेक ए ई वोटर प्लेगेस का, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने एक वोटर आई डी कार्ड का चलो वोट हम बने, यहाँ पे चलो वोटर हम बने यहाँ पे लिखा हुआ है और ई यहाँ पे ई वोटर प्लेगेस का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे कैप्चर को फिल कर लेना है। यहाँ पे कैप्चर को फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, तो आप किसी भी लैंग्वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा। हिंदी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक मतदाता का शपथ प्रमाण पत्र, जिसको शपथ है यहाँ पे आप एक शपथ लेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपना पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखें तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति एवं समुदाय भाषा एवं अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पे एक आपको यहाँ पे मतदाता शपथ लेना होता है। यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे टर्म्स को जैसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सबमिट वाला बटन मिलेगा, इसी पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक ई मतदाता सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र यहाँ आ जाता है और आपका इसमें नाम भी लिखा होता है और यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ा वही चीज यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के जो है डॉक्टर रणवीर सिंह है, इनके साइन भी होती है। तो इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन है, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे और इसको यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। क्लिक करेंगे तो ये आपके यहाँ पे डाउनलोड का भी हो जाएगा। आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो। तो इस तरह से मतदाता का जो ई सर्टिफिकेट है आप इजिली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, चाहे कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।